नमस्कार, नव भारत टाइम्स को ऑनलाइन आप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजपूत। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के पीएम उम्मीदवार पर बरकरार सस्पेंस के मुद्दे पर एक बड़ा बयान दिया। शरद पवार ने कहा है कि अगर कोई चेहरा पेश ना भी किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पवार ने कहा कि अगर कोई चेहरा सामने नहीं रखा जाएगा तो कोई परिणाम नहीं निकलता, ऐसी धारणा सही नहीं है। उन्होंने 1977 के आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने का भी जिक्र किया। अब इसके पीछे क्या वजह है, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री रह चुके शरद पवार ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित ना किया जाए तो इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना होगा। 1977 के चुनाव को याद करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया पवार ने कहा कि 1977 के चुनावों में पीएम के लिए कोई चेहरा पेश नहीं किया गया था, बाद में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री चुने गए थे। चुनाव से पहले और देसाई के नाम पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही। शरद पवार ने कहा कि सत्ताधारी दल को चुनौती देने के लिए एक नई पार्टी अस्तित्व में आई है, ऐसे में कोई चेहरा सामने नहीं भी रखा जाएगा तो कोई भी बड़ा नुकसान नहीं होगा। पवार ने आगे ये भी कहा कि अगर जनता बदलाव के मूड में है तो मतदाता बदलाव लाने के पक्ष में ही अपना फैसला सुनाएंगे। बताते चले कि मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। देसाई 2 साल से कुछ अधिक समय तक यानी 856 दिनों के आसपास पीएम पद पर रहे। उन्होंने 1977 से 1989 के दौरान देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 1975 के आपातकाल के बाद जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का नेतृत्व करने वाले मोरारजी देसाई का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। दरअसल जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण फेरबदल भी हो रहे हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में शामिल दलों का यह मानना है कि उनका गठबंधन भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को कड़ी चुनौती देगा। हाल ही में हुई इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक में पीएम पद के चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया था। गठबंधन में शामिल 2 मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया था। गठबंधन पर नजरें बनाकर रखने वाले समीक्षकों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खड़गे के नाम का विरोध किया था। खड़गे के बेटे प्रियांक ने मीडिया से कहा कि अच्छा होगा कि अगर उनके पिता इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। हालांकि सपने देखने से पहले व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने की बेहद जरूरत है। खड़गे ने कहा कि हमें पहले कांग्रेस की 200 से 250 सीटें जीतनी होगी, इसके साथ ही हमें इंडिया गठबंधन के सदस्यों के साथ मिलकर अनुकूल माहौल बनाना होगा और हमें सुनिश्चित करना होगा कि दूसरे दलों की तुलना में कांग्रेस के उम्मीदवार अधिक से अधिक संख्या में जीते। बाकी सवालों पर सीट जीतने के बाद ही विचार होगा, मतलब सीधे उन्होंने एक तरह से मना कर दिया। अटकलों के बीच ये जानना भी दिलचस्प है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिक्रिया तटस्थ रही है। उन्होंने कहा कि मैं वंचितों के लिए काम करता हूं, पहले जीत दर्ज करनी है, उसके बाद इन मुद्दों पर विचार किया जाए। उन्हें पद की लालसा नहीं है, पहले जीतना है, प्रधानमंत्री कौन होगा ये बाद में सब मिलकर तय करेंगे। बहरहाल जिस तरह से बातचीत सामने आ रही है, खड़गे का प्रस्ताव हुआ, हालांकि खड़गे ने इसका विरोध किया, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों में जो उनके कार्यकर्ता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव हो, कोई भी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, उनके कार्यकर्ता, उनके पार्टी वर्कर उनका ही नाम पीएम को लेकर के कह रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने जो स्टेटमेंट दिया है, मोरारजी देसाई का एग्जाम्पल सेट किया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात साबित होती है कि पीएम कैंडिडेट हम बाद में चुनेंगे, पहले जीत दर्ज करेंगे।